नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में रिलायंस इंफ्रा स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो 20% के लोअर सर्किट पे ट्रेड करते दिख रहा है। आखिर क्या खबर आई जो ये स्टॉक में 20% की गिरावट दिखी, उसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहां एक बड़ी खबर दिखी है। खबर यह दिखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्सिडरी को कहा है कि 8000 करोड़ डीएमआरसी को रिफंड करो, पेड करो। ये किस संदर्भ में ऐसा कहा गया तो देखेंगे। इन अ मेजर सेटबैक फॉर रिलायंस इंफ्रा, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड इट्स प्रीवियस जजमेंट डायरेक्टिंग दिल्ली मेट्रो टू पे 8000 करोड़ टू सब्सिडी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस, और उसी फैसले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने वो रिफंड करने को कहा है। इन अ सिग्निफिकेंट रूलिंग, द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड अ क्यूरेटिव पेटिशन फाइल्ड बाय डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन डायरेक्टिंग रिलायंस इंफ्रा टू रिफंड 8000 करोड़ पे टू इट्स सब्सिडरी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। डीएमआरसी हैज फाइल्ड अ क्यूरेटिव पेटिशन चैलेंजिंग द आर्बिट्रल अवार्ड दैट है डायरेक्टेड टू पे फॉर द रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडरी। The Apex Court has ordered the amount paid by DMRC to refund and stated that the court made an error of judgment in interfering with the division bench order or causing a grave miscarriage of justice. ये एक बहुत बड़ा झटका है। DMRC को मिला 8000 करोड़ और Reliance Infra को लगा एक झटका। Delivery देखें Reliance Infra की तो delivery ठीक ठाक दिख रही है। अगर टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो एक बड़ा सेटबैक देखने को मिला टेक्निकल ट्रेंड में। आज के वॉल्यूम भी तो नहीं दिख रहे हैं, एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूं, फिर भी वॉल्यूम थोड़ा मिसिंग है, पता नहीं एनएससी पे क्यों। लेकिन चार्ट देखेंगे, इसने एक बड़े ट्रेंड लाइन को मिस करा है और मेजर रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस था और मेजर रेजिस्टेंस से ब्रेक डाउन हुआ। अब टेक्निकल सपोर्ट जो है 180-90 के आसपास का दिख रहा है। मुझे लगता है इस समय थोड़ा कॉशन बरते, हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर रिवर्सल आपको देखने को